है क्या? अरे सवाल पैसा खर्च करने का नहीं है यार, सवाल तो पैसा तो खर्च होता ही है हम लोगों का, हमारी जेब से जो निकलता है वो खर्च होता है। सवाल ये है कि आपकी नीयत, आपकी नीयत कैसी थी, आपने क्या कहा और क्या किया? अनुजा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इन लोगों ने 40 से 50 दिन पहले 6 नवंबर 2020 को इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी रेनोवेशन के नाम से। ये झूठे लोग रेनोवेशन के नाम से कंस्ट्रक्शन शुरू करी, उसके बाद 18 दिसंबर को इनका अप्रूवल हुआ, DUAC ने करा दोबारा, इनसे पूछने गए। आप मुझे बताइए कि चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी को इन लोगों ने और LG को बनाने के टाइम पे, कंस्ट्रक्शन बनाने के टाइम पर बाहर क्यों रखा उस वर्क ऑर्डर से? 6 बार वर्क ऑर्डर गया, इन्होंने उससे बात नहीं करी। और अपने 9.99 करोड़ इतने के अंदर इन्होंने 10 करोड़ के अंदर रखा ताकि LG के पास ना जा पाए। ये यही चाहते थे कि LG के कानों में खबर ना पहुंचे। और एक और चीज, अब इन्होंने अपना ऑफिस 4.7 और 2.7 एकर्स के अंदर और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी को बोलिए, दोनों का बराबर है, आपका भी देखा जाएगा, आपका भी देखा जाएगा, जो 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस बनाया है, सवाल उस पर भी, सवाल उस पर भी होगा। और सुनो, केजरीवाल जी की एक बात से मैं सहमत हूँ आपकी, इनकी नीयत में खोट है। अगर नीयत में खोट नहीं होती, मतलब दूसरे पे आरोप और खुद पे पड़ा, तो भैया सब कुछ ठीक है मुख्यमंत्री का। भाई साहब एक बार बताओ, जब गठबंधन कर रहे थे, अच्छा दिल्ली में कांग्रेस का जब गठबंधन हो रहा था, तब केजरीवाल भा रहे थे। हाँ एक सेकंड, पूछना इनसे, खड़गे साहब काहे गए थे? खड़गे क्या बोले? सोनिया गांधी क्या बोली? हम तुम्हारे साथ हैं मियां, हमें साथ लाई चलो, बोले थे ना? बोले थे कि नहीं? अरविंद केजरीवाल के लिए बोले थे? एक बार करेंगे, एक बात बता दूं, एक सवाल इन लोगों ने बार बार उठाया है, जनता को जरा पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के घर पे इतना खर्चा क्यों। आज आप सबको एक बात बता दूं, 125 लोगों के रहने की फैसिलिटी उसमें होती है, अगर देश के ऊपर एक न्यूक्लियर हमला हो जाए, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द स्टेट होता है। केजरीवाल को कौन सा न्यूक्लियर खतरा है? केजरीवाल कौन सा पाकिस्तान को चुप रहा है? ये तो नतमस्तक हुआ है केजरीवाल को, वहां पे एक न्यूक्लियर कमांड, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिए मेरे भाई। 150 लोगों, अगर वॉर की स्थिति हो जाए, प्रधानमंत्री का घर एक बंकर में तब्दील हो जाता है, जहां न्यूक्लियर हमला हो, सैनिक हो, एडवांस सिस्टम हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, वो सारी सुविधाएं जो करीब 100 के 100 करोड़ में जाती है, वो वहां होती है, जो कि देश के प्रधानमंत्री हर न्यूक्लियर पावर, चाहे रशिया हो चाहे चाइना हो, वहां सब जगह है, इनको ये पता नहीं है। एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर आप लोग हंगामा क्यों काट रहे हैं? बीजेपी वाले हंगामा क्यों काट रहे हैं? भाई जब एक घर में 15 घुसलखाने हो, 15 टॉयलेट हो, उसको हिंदी में भी बताइए और अंग्रेजी में। टॉयलेट कहते हैं भाई, घुसलखाना मैंने कह दिया, हम तो भाई यूपी से आते हैं। 15 घुसलखाने, एक में लग रहा खुद ही घुसे हुए हैं, मुंह छुपाए घूम रहे हैं भैया। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड जरा जनता से भी पूछ लेता हूँ, जानना है अरविंद केजरीवाल का घर के दरवाजे खुलवाना कि नहीं खुलवाना? जरूर खुलवाने हैं। क्या क्या देखना चाहते हैं? वो बाथरूम देख, 15 घुसलखाने देखने हैं, उनके पर्दे देखने हैं, जो वो सब क्या कहना चाहते हैं आप अरविंद केजरीवाल से, बताइए आज। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, भूल गया भाई जी। यहाँ इसी प्रोग्राम में मैंने ये कहा था, एक बच्चा जो बीमार था उसको 18.5 करोड़ चाहिए थे, मैंने कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए उस बच्चे को दे देने चाहिए इलाज के लिए। 10 करोड़ अगर उसको मिल जाते तो उसकी जान बच जाती। ठीक बात है, 10 करोड़ रुपए में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता भाई साहब, मालूम है ना? हाँ जी, इतना चोट पहले कहाँ से खा के आए हो? तुम्हारे मुँह से अभी भी बदबू आ रही, आज भी दारू पी के आए हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी का पर्दा देखना, बस घर का ओपन डोर ओपन कर दे। कल सुशांत सिंह जी कह रहे थे डोर ओपन कर दे, हम लोग क्लियर हो जाएंगे, हम देख लेंगे क्या 45 करोड़ लगाए, 45,000 करोड़ लगाए। टूटे हुए टूटे हुए मुंह से जाओगे तो कैसे एंट्री? नहीं तो वो क्या होता, आम आदमी है ना, वो आम आदमी तो आम आदमी है। गड्ढा बना रखे हैं सड़क पे, गड्ढा बना रखे, गाड़ी आकर तोड़ के मारती है सड़क पे, गड्ढा होता है क्या? इसी में चोट लगी है और कहाँ लगेगी?